कर रहे हैं, अभी आए हैं एक जगह पे, मतलब पहले वाले घर में जहाँ से देखना था कट्टा, और ये साथ वाले जो भाना टाइप बना हुआ है तो यहाँ से पहले देखते हैं, अगर पसंद आता है तो यहीं से ले लेंगे, वरना जाना है एक और जगह पे, जैसे मैंने आपको बताया दो जगह पे जाना है। तो यहाँ खड़ा था लेकिन आज वो बिक गया ना, तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। यार थोड़ा सा मैं डर भी रहा हूँ ऊँचा बोलने से, क्योंकि वाले कमरे में ना भाई सो रहा है ना, तो कूलर चला हुआ है लेकिन आवाज़ नहीं जाएगी ना, मुझे इतना पता है। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, आपको भी लग रहा होगा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार आज जब मैं जुमा पढ़ के आया था ना, तो उसी टाइम भाई ने मुझे रास्ते में बताया था आज शायद हम शाम को चक्कर लगाएं मंडी का, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे तो यार आज नींद ही नहीं। अच्छा, दोपहर को अक्सर मैं सोया होता हूँ तो पता नहीं यार एक्साइटमेंट है इसी वजह से ना। तो अभी मैं भाई को उठाता हूँ, उसने मुझे कहा था 5 बजे वो खा देना ना, मुझे 5 बजे जाएंगे। और मुझे कन्फर्म है बकरा नहीं लेना, जो काले रंग का भैंस का बच्चा नहीं होता कट्टा, वो लेंगे या कट्टी लेंगे ना, तो भी ये कन्फर्म है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है भाई मंडी पर लेना है या किसी के घर खड़ा हुआ, ये मुझे याद भी नहीं है पूछना। वैसे भाई से पूछ के फिर मैं आपको बताऊँगा। ओके, ये परिंदों के लिए ना कुछ अमलिया लाए थे, इसे मैं काट के ना अभी धो के ना फिर इन्हें डालते हैं। इन्हें तो यार गर्मी जो मर्जी कुछ डाल लो, इन्हें डालते हैं फिर अभी। सूरजमुखी के बीज भी आए हुए हैं, ये पता नहीं ये इनके लिए आए हुए हैं, बड़े परिंदों के लिए ना, ये बहुत शौक से खाते हैं। इन्हें फटाफट डाल के ना फिर हम नीचे चलते हैं। A few moments later. तो इस तरह अब्बू का दोस्त है चाचू, जिसे हम चाचू बुलाते हैं, उसे भी साथ ही लेके जाएंगे, क्योंकि इस तरह हम मुझे और भाई को नहीं पता चलता, अगर बड़ा भाई होता तो अजमल भाई होते तो उन्हें पता चल जाता, लेकिन हमें कोई नहीं इतना खास पता चलना, इसी वजह से ना भाई ने कहा जो अब्बू का दोस्त है ना जिसे हम चाचू बुलाते हैं, कहते हैं उन्हें साथ ज़रूर लेके जाना, तो इस तरह उन्हें पता चल जाएगा मतलब जानवर सही है या नहीं है। पहले हमने जाना है यहाँ से अंकल को लेना है, अंकल को लेने के बाद फिर जाएंगे और दो घर जाना है, जहाँ से अच्छा मिल गया तो वहीं से ले लेंगे, नहीं तो फिर हमने कल या परसों जाना है मंडी, मुल्तान वाली मंडी, वो वैसे बहुत बड़ी होती है। पहले कोशिश यही है घर से ही मिल जाएगा, क्योंकि हमने तस्वीरें वगैरह देख ली हैं, काले रंग का कट्टा है और कहते हैं प्यारा है, तो ये तो वहीं जाके पता चलेगा और मैं वहीं जाके आपको मिलता हूँ। ओके, फिर कोशिश यही है जो पहले वाला घर है ना, मतलब जहाँ से हमने पहले देखना है वहाँ से पसंद आ जाएगा, और वहाँ से डील वगैरह भी हो गया, लेकिन अभी देखना है, देख के अगर पसंद आ गया तो पैसे दे के वहीं से ले आएंगे ना, तो दूसरा जो है ना वो इतना खास नहीं है, अगर पहले वाला ना पसंद है तो फिर दूसरे के पास चलेंगे। अभी ये भाई यहीं खड़े हैं और भाई और अभी आए हैं एक जगह पे, मतलब पहले वाले घर में जहाँ से देखना था कट्टा, और ये साथ वाले जो भाना टाइप बना हुआ है तो यहाँ से पहले देखते हैं, अगर पसंद आता है तो यहीं से ले लेंगे, वरना जाना है एक और जगह पे, जैसे मैंने आपको बताया दो जगह पे जाना है। अच्छा दोस्तों, इस तरह इनके पास तो नहीं है और लेकिन साथ वाले वो कह रहे बिक गया ना, एक और जगह जाना पड़ेगा फिर वहाँ से पता करना पड़ेगा, तो कल तक तो यहाँ खड़ा था लेकिन आज वो बिक गया ना, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन एक और जगह जाते हैं वहाँ से शायद मिल जाए। और ये देखें कितने प्यारे प्यारे खड़े माशाल्लाह, अभी ये मुझे देख रहे हैं कब से, इसके बाल चेक करें, इसके बाल चेक करें माशाल्लाह देखें, और ये घास वाली मशीन पट्टों वाली। अब फिर दूसरी जगह जाते हैं, अगर वहाँ से ना मिला तो फिर जाना पड़ेगा जाहिर सी बात है मंडी, और जाहिर सी बात है फिर कल चलेंगे, अब तो बहुत ज़्यादा रात हो गया, अब तो टाइम भी ख़त्म हो गया, वो पानी गिरा दिया उसने। हमने यार कुत्ते देखे कितने बैठे हैं, मुझे लगता है नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये देखे हमने, देखे बाकी ये लड़का बार बार बट्टे उठा के ना वो कुत्तों को मार रहा है, देखे भी मारेगा देखना, ये देखे वो देख, जब इसे पड़ गए ना तो फिर इसे पता चलेगा, है भी बहुत मोटे मोटे। अब तो यार इधर शाम हो गई है और सुबह ही फिर चक्कर लगेगा, अभी यहाँ से थोड़ी देर बैठ के फिर चलते हैं घर। The next morning. अच्छा दोस्तों, इस तरह पूरा साल हो गया था इसीलिए वो फिर उसके ना सर्विस नहीं करवाई, तो अभी भाई को बुलाया और वो कर रहे हैं एसी की सर्विस ना, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे लगा होता है एसी, तो वो कार दिया।
यार ये आउटर की भी होनी है लेकिन इसकी नहीं हुई। जैसा कि आपको पता है यार मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और 24 घंटे एसी चलता है ना। तूने चोरी किया तो इसी वजह से जरूरी है। पिछले दिनों चलाया था 20 पे ना, तो लेकिन यार कूलिंग नहीं थी बिल्कुल भी ना। काफी अरसा मतलब साल हो गए, साल के बाद ही होता है ना जैसे। और यहाँ पे इन्होंने यार आउटर में ना पहले इन्होंने इधर बनाया हुआ था चिड़ियों ने घोंसला, अब इधर बनाया हुआ था लेकिन वो चली गई थी और उनके बच्चे भी बड़े होके मैंने आपको दिखाए थे उड़ गए थे, लेकिन इनका घोंसला नीचे आ गया। आप देखें बना हुआ सारा। इनके लिए ना हम प्रॉपर जो घर होता है ना बना बनाया वो ला के रखूँगा। पिछले ब्लॉग में भी कहा था लेकिन यार भाई अब लेवल हो गया वाकई बड़ी कूलिंग। पहले यार इतनी कूलिंग पहुँचती 16 में ना, लेकिन अब हो रही है 25 में ना, क्योंकि वॉश नहीं हुआ था, सर्विस नहीं हुई थी ना, लेकिन अब ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बट्टी, देखें यार कितनी निकली हुई है। और ये सारी आउटर से निकली है, आउटर और एसी से ना, ये देखें कितनी भाई साहब बट्टी निकली हुई है भाई, बहुत बट्टी। अच्छा हुआ ना यार इसकी सर्विस हो गया, लेकिन पहले से बेहतर है, अब तो बहुत ज़्यादा बेहतर है ना। तो कोई नहीं, फिर अभी यार मैं हाथों क्योंकि यार सुबह सुबह आए हुए थे, फिर मैं इन्हीं के साथ रहा हूँ और मतलब काम वगैरह करवाया जो था, और अभी नहा के फिर मैं आपको मिलता हूँ। 3 hours later तो नहा तो मैं लियूँ और अभी टाइम आ गया है हमारा नाश्ते का, तो मैं आपको नाश्ता दिखाता हूँ। बड़ा ही लेवल किस्म का बना है, बहुत ही सब नाश्ता नाश्ता होता है ना देसी होता है, बड़ा लेवल का। देखिए ये है करेले और ये है पराठा, देसी घी वाला पराठा है और करेले हैं। और यार दही लेके आया था सुबह, वो पता नहीं उन्होंने ख़त्म कर दी थी, तो उसकी क्या नाम है लस्सी बना के भी खाता साथ। अब दूर है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा ना, तो अभी नहीं लेने जाऊँगा, बस इसी से नाश्ता करता हूँ। अभी मुझे याद है फ्रिज में ना वो भी पड़ा होता रायता, आपको निकाल के अभी छोटे बर्तन में निकाल के लेते हैं। अभी मैं ना आपको चेक करके बता दूँ किस तरह की। तो नाश्ता वगैरह तो हो गया यार, बहुत ज़्यादा मुझे मिर्चें लगी हुई हैं। चलो कोई नहीं, ना भाई गया हुआ काम के सिलसिले में बाहर, तो वो आ जाए शाम को, फिर हम चलेंगे दोबारा दूसरी जगह जहाँ से बछड़ा देख के आना था वहीं देखने चलेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से ना मिला फिर इंशाल्लाह मिल जाएगा हम, फिर हमें चक्कर लगाना पड़ेगा मंडी का ना, तो फिर मंडी पर जाना पड़ेगा। तो आज का व्लॉग बस मैं रहता नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। छोटा नहीं है यार, पता नहीं मैं ऐसे क्यों कहता हूँ छोटा सा व्लॉग, हालांकि 8 मिनट का होता है, तो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके फिर हाफिज़।